नमस्ते बच्चों आई होप आप लोग का तैयारी काफ़ी अच्छा चल रहा है फोकस्ड चल रहा है तो आज के पर्टिकुलर इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो है स्कूल ऑफ सोशल वर्क के बारे में मेरा फेवरेट स्कूल है और इसके कुछ कोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे आने वाले कुछ दिनों में हम बाकी कोर्सेज को भी लेके इस पर्टिकुलर स्कूल को पूरी तरीके से कवर करेंगे बिफोर आई स्टार्ट द डिस्कशन आपको मैं बताना चाहता हूँ हम लोग का एनरोलमेंट लाइव है Uh, काफ़ी बच्चे जो हैं आ रहे हैं और उन्होंने एनरोल किया है अपने आप को फॉर दिस होल फोकस्ड कोर्स और uh, बहुत जल्द मेरे ख्याल से आज या कल मैं क्वालिटीशन सेशन लेने वाला हूँ सबके लिए अगर आपने अप्लाई नहीं किया है एनरोल नहीं किया है और अगर आपको लगता है दैट यू कैन टेक अ यूज़ आउट ऑफ तो इट टू स्ट्रीम लाइन योर प्रिपरेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ पे लिंक है एक नंबर है कॉन्टैक्ट करिए और ज़रूर अपना एक सीट ब्लॉक करिए कोर्स स्पेसिफिक काफी आपको हेल्प मिलेगा इस पर्टिकुलर कोर्स से टॉकिंग अबाउट डाफ टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन असेसमेंट टॉकिंग अबाउट ओपीआई मॉक इंटरव्यूज कोर्स कंटेंट फिर आपका इंटेलेक्ट बनाना इस तरीके से फिर असाइनमेंट से काफी चीजें हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती है टू स्ट्रीम लाइन योर प्रिपरेशन और चांसेस आपका थोड़ा बढ़ा सकती है बाकी तो आपके अपने मेहनत पे है चलिए अगर हम बात करें स्कूल ऑफ सोशल वर्क के बारे में तीन कोर्सेज को मैं आज लूंगा और बाकी तीन और उसके बाकी तीन आने वाले दो दिन में सबसे पहला जो मैं बात करना चाहता हूं वो है चिल्ड्रन एंड फैमिलीज देखिए चिल्ड्रन एंड फैमिलीज बहुत वास्ट लगता है सुनने में बट है बहुत इंटरेस्टिंग सोशल वर्क की कोई भी कोर्स को लेने से पहले आपको अपने आप से पहले पूछना है कि आपके अंदर वो दिल है कि नहीं टू मेक सम चेंज इन सोशल स्पेस क्योंकि पाना सबसे पहले यही परखेगा काफी लोग एक आ, आ, कैसे क्या आप कैसे बोलेंगे उसे काफी लोग मतलब एक आ, शो ऑफ के लिए आते हैं कि हम भाई ये कोर्स कर रहे हैं आपका चाहे जितना ही अच्छा क्यों ना स्कोर हो अगर आपके अंदर वो सोशल जस्टिस चेंज सोशल चेंज लाने के लिए सोशल जस्टिस लाने के लिए अगर वो दिल नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा पैनल का पता चल जाएगा तो ये चीज़ आपको सबसे पहले अपने आप से पूछ के अपने आप को प्रिपेयर करना है तो अब आए अगर हम लोग कोर्स पे चिल्ड्रन एंड फैमिलीज में बेसिक चीज जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन से लेके डोमेस्टिक वायलेंस तक आपसे काफ़ी सवाल पूछे जा सकते हैं जो कौन से चाइल्ड हेल्पलाइन क्या के, के बारे में चाइल्ड लेबर के बारे में पूछा जा सकता है पॉस्को के बारे में पूछा जा सकता है ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर अमेंडमेंट जो हुए हैं ओवर द ईयर्स फॉर तो द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन अ कंट्री या फिर चाइल्ड राइट्स के बारे में चाइल्ड एम्पावरमेंट के बारे में इन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है साथ साथ टॉकिंग अबाउट एट अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में डाउरिया के बारे में कुछ केस स्टडीज के बारे में विशाखा कमीशन की सारी जो बेसिक चीजें हैं जो कि आपके चिल्ड्रेन और फैमिलीज को प्रोटेक्ट करती हैं ऑल द एक्ट दैट प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन एंड फैमिलीज इन आर कंट्री वो एक्ट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है द केस स्टडीज मेड द कोर्ट टू रोल आउट दीज एक्ट दो यू शुड नो तो वास्ट है बट हमारे जो कोर्स कंटेंट है काफी चीजें स्पेसिफाइड है वंस यू रीड इट स्टोरी बुक की पढ़ेंगे दिमाग में उतर जाएगा अब आते हैं सेकेंड जो मेरा मोस्ट फेवरेट कोर्स है वो है लाइवलीहुड इन सोशल ऑन्ट्रप्रिनरशिप देखिए मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है और जितने बच्चों को इस बैच में भी मैं काफी हम लोगों ने इंटरव्यू किया है काफी बच्चे ये नहीं बता पाते हैं एंट्रप्रिनरशिप के बारे में होता क्या है तो आपको सबसे पहले ये चीज याद रखना है चाहे जितना ही भारी शब्द क्यों ना हो आपके कोर्स में उसका सबसे पहला सवाल सबसे सिंपल ही रहेगा सबसे पहले आपसे पैनल यही पूछेगा डिफाइन ऑन्ट्रप्रिनोरशिप ये डिफाइन सोशल ऑन्ट्रप्रिनोरशिप तो बेसिक डेफिनेशन को करेक्ट रखिए दिमाग में रखिए उसके बाद पैनल आपसे कुछ कुछ सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन कौन से सोशल ऑन्ट्रप्रिनोरशिप वेंचर्स हैं अक्रॉस द कंट्री अभी एट प्रेजेंट फिर क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी दिया जा सकता है कि ऐसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट टाइप ऑफ सोशल वेंचर वुड यू वर्क ऑन सबसे क्लासिक एग्जांपल पता है सोशल ऑन्ट्रप्रनरशि का क्या है जो मेरे अकॉर्डिंग कर्नाटका में ना एक टाउन है चनापटना वहां पे इट्स नोन एज टॉय सिटी ऑफ इंडिया क्यों क्योंकि वहां पे हर घर पे हर गली में आपको देखेंगे जो आपके वुडन टॉयज वगैरह जो बनते हैं ना लोग बनाते हैं उनका लाइवलीहुड पर्टिकुलर वुडन टॉयज आ रहा है तो वेंचर वुडन टॉयज बनाना नहीं है वेंचर है इस पर्टिकुलर वुडन टॉयज को मार्केट करके सेल ऑफ करके वो जो पैसा आए वो उन लोग को देना फॉर द दे अपलिफ्टमेंट ऑफ देर लाइवलीहुड ऐसे तो कुछ कुछ क्लासिक एग्जांपल्स जो आपको पता होने चाहिए साथ साथ लाइवलीहुड की अगर बात करें तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात होगा डेफिनेटली इंडिया किस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है किस चीजों से स्ट्रगल कर रहा है क्या गलतियां हो रही हैं क्या अच्छी चीजें हैं क्या पॉलिसीज हैं एमएसएमई के बारे में आपसे पूछा जा सकता है अक्रॉस द नेशन एमएसएमई के क्या क्या रूल्स हैं क्या 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 स्कीम्स हैं क्या क्या स्कीम्स हैं फॉर ऑन्ट्रप्रीनरशिप सोशल ऑन्ट्रप्रिनशिप तो बेसिक चीजें आपको उसमें भी नियत जरूरी है अगर आपका नियत है तो अपने आप काफी चीजें एज ए इंटरेस्ट में आ जाएंगी अब बात करते हैं हम लोग तीसरे कोर्स के बारे में आखिरी वो है दलित एंड ट्राइबल स्टडीज देखिए <coughs> सुनने में काफी फैंसी लगता है दलित एंड ट्राइबल स्टडीज आई एम स्टडी दलित एंड ट्राइबल स्टडीज बट द पॉइंट इज कि आपका रीजन बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है वो रीजन क्या है जिसके वजह से आप ये कोर्स लेना चाहते हैं आप कोर्स पढ़ के क्या बनना चाहते हैं आप कौन से एरिया को अपलिफ्ट करना चाहते हैं कौन सी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो किस तरीके से इस कोर्स के लर्निंग को यूज करना चाहते हैं ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी है बी आर अंबेडकर के बारे में बी आर अम्बेडकर जी के बारे में आपको एंड टू एंड पता होना चाहिए उनकी लिखी हुई किताबों के बारे में पता होना चाहिए उनकी फिलासफी के बारे में पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट्स और एक्ट्स हैं प्रोविजन है फॉर द ट्राइबल पीपल उसके बारे में पता होना चाहिए डेट्स स्टैटिस्टिक्स पता होने चाहिए तो आपको एंड टू एंड 360 डिग्री ओवरव्यू और नॉलेज जरूरी है टू गेट अ सीट इनटू दिस पर्टिकुलर कोर्स वरना कंपटीशन बहुत है अगर आप नहीं लेंगे तो कोई और ले जाएगा आखिरी में एक और जो चीज़ है वो मैं आपको बोलना चाहता हूं जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूं करंट अफेयर्स को अपने कोर्स के लेंथ से देखना स्टार्ट करें चिल्ड्रेन एंड फैमिली किस तरीके से अफेक्ट हो रही हैं ड्यूरिंग कोविड लाइवलीहुड किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है किस तरीके से कौन कौन से सोशल ऑन्टरप्रीन्यरशिप वेंचर्स निकल के आए हैं टू हेल्प पीपल आउट इन दिस होल फेज ऑफ कोविड ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आप सीखेंगे और आप खुद इंट्रोस्पेक्ट करके रियलाइज करेंगे वंस यू स्टार्ट सीइंग द करंट अफेयर्स अराउंड यू थ्रू लेंस ऑफ योर कोर्स डेफिनेटली हम लोग का कोर्स लाइव है आपको अगर लगता है कि वी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टूवर्ड स्ट्रीम लाइनिंग योर प्रिपरेशन थ्रू मॉक इंटरव्यू सेशन डाफ क्लासेस ऑनलाइन असेसमेंट ये सारी चीज उससे अगर आपको लगता है असाइनमेंट वगैरह से आपको लगता है कि हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं तो डू नॉट होल्ड योर सेल्फ बैक नीचे नंबर है ईमेल आईडी भी है और वेबसाइट भी है डिस्क्रिप्शन पे आप कॉन्टैक्ट करें अपना सीट ब्लॉक करें जरूर एनरोल करें आई विल बी स्टार्टिंग दरियंटेशन सेशन बाय टुडे इवनिंग या फिर टुमारो और आई होप टू सी यू ऑल सून ओवर देयर लास्ट में हैप्पी प्रिपेयरिंग टेंशन मत लें एक एक करके चैनलाइज करके लिख लिख के तैयारी करें दिमाग में सब उतर जाएगा चलिए आई मीट यू टुमारो विद अनदर वीडियो ऑफ अनदर थ्री कोर्सेज ऑफ एमएसडब्ल्यू धन्यवाद